तुम दोस्त हो क्या आज? दोस्तों आज इन्होंने अंडा दे दिया है, तो आप देखते हैं। ये वैसे ये पहले अंडे पर नहीं बैठती होती, डायमंड हमेशा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? सब उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने बरसों से ख्याल रखें अपने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि मैं आपको रात के टाइम भी आपको वीडियो बना दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे दिन टाइम तो टाइम नहीं मिलता। क्यों? मैं स्कूल और अकेडमी में आता हूँ, तो मैं आपके टाइम ही आपको वीडियो अपडेट देता हूँ। चलो अब आप हम जाते हैं, एक खुशखबरी है आज, एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ आपको दिखाते हैं अभी के अभी। तो आज हमने इनको अभी भी यहाँ पर बंद किया, क्योंकि ये यहाँ पर आकर ना घुस जाते हैं और यहीं पे बैठे रहते हैं। तो आपको दिखाया था मैंने अभी, आपने हाईलाइट में देख लिया होगा कि ये यहाँ पर बैठी हुई थी। देखें इन्होंने भी अंडा दे देना है इंशाल्लाह आजकल में। और हमारी डायमंड डव ने आज अंडा दे दिया है, और ये सेकंड ब्रीड है हमारी डायमंड डव की। इंशाल्लाह इस बार दो बच्चे निकलेंगे, जैसे हमारी रेड डाइस वाइट डव के दो बच्चे निकले हैं, अभी वो भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको वाइट यानी डायमंड डव के अंडा दिखा दें, तो वो देखें आप, उनको अंडा पड़ा हुआ है। तो हम इसका एक स्क्रीन शॉट भी लेते हैं। तो हमने स्क्रीन शॉट ले लिया है उसका, तो हम अभी आपको दिखाते हैं अपनी तोती, जिसने अभी बच्चे नहीं निकाले थे सुबह से। सुबह तक तो इसने बच्चे नहीं निकाले थे, मगर अब आपको अब दिखाते हैं कि अभी इसने बच्चा निकाला है कभी के नहीं। तो अभी तक इसके अंडे तो फुल फर्टाइल हैं, अंडे में से बच्चे निकलने के फुल चांसेस हैं, और इंशाल्लाह कल या परसों तक बच्चे आएंगे हमारे पास वाइट इसके भी। तो आपने दुआ करनी है कि इनके बच्चे भी आ जाएँ, और ये जिसने अंडे दिए हैं इनके इनमें फर्टाइलिटी हो, और ये भी अंडे फर्टाइल हो जाएं और इनमें से भी बच्चे निकलें। तो और आपने ये भी दुआ करनी है कि ये भी अंडे दे दें जल्द से जल्द, क्योंकि ये भी अंदर बैठते होते हैं, तो इंशाल्लाह इन्होंने भी जल्द से जल्द ब्रीड कर देनी है। ये यानी फिंचेस ने, फिंचेस अभी भी आपको मैं दिखाऊँ तो वो अभी भी अंदर है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें ये दोनों अंदर बैठे हुए हैं कैसे। तो अभी हम चलते हैं अपनी वाइट डव के पास, उसके बेबी देखते हैं। उसके बेबी माशाल्लाह इतने इतने बड़े हो चुके हैं। तो आपको डायमंड डव का बेबी अंडा नज़र आ चुका है। पहले के जो हमारे व्यूवर हैं उनको पता है हमारे पास ये चार केज हैं, जहां पर हमने चीज़ें रखी हुई हैं, अपने बर्ड्स रखे हुए हैं। अभी ये दोनों केज खाली हैं, तो आपने हम सबको ये बताना है कि हम यहाँ पर डकलिंग रखें यानी डक्स रखें, या खरगोश रखें, या तीसरी ऑप्शन कोई और है। कबूतर नहीं हम लाएंगे, कबूतर का ऑप्शन आपका गलत है, हम कबूतरबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आप कहेंगे तो लखे कबूतर ले आएंगे हम, बाकी ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आएंगे जो कबूतरबाजी के तौर पर आ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आएंगे। तो आपने बताना है यहाँ पर हम डकलिंग लाएं, डक्स लाएं, या हम खरगोश लाएं, या यहाँ पर डक्स या खरगोश में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, आपने यहाँ पर देखनी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारी वाइट डव, ये बैठी हुई है अपने बच्चों के ऊपर। तो आपको दिखाएँ, ये हम डंडे के साथ इसको परे साइड पर करेंगे, तो आप इग्नोर किया करें। पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती होती हैं पीछे से। तो देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ, तो ये एक तोते जितना हो चुका है बच्चा। अब आपको हम इसे उठा कर तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत डीट होते हैं। जो चलो दोस्तों अब आपको हम उठा कर ही दिखाते हैं इनको। आप इसने दोनों बच्चे यहाँ पर, ओ नो, ये इसने इसके ऊपर पाँव दे दिया है। चलो बच्चों चलो चलो आप, क्योंकि ये ज़्यादा देर इसके ऊपर पाँव नहीं रखेगा, उसको पता है उसके नीचे उसका बच्चा है अपना, उसने तो पाँव हटा लिया था अपना, मगर आपको पिछले